कल एक कांड हो गया था। कल का मैं ब्लॉग आप लोगों को नहीं दिखा पाया था। मैं यार जो ब्लॉग्स वीडियो चलते नहीं है ना, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो कल ना मैं देख रहा था तो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा था। 3-4 शॉर्ट्स बैक टू बैक डाले थे मैंने, कुछ वीडियोस भी डाले थे, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। कल दिमाग ख़राब हो गया था तो मैं कुछ ब्लॉग कल बनाया नहीं। तो मैं बता, और ये है मेरी 40 फीट वाली बड़ी कंटेनर, और ये 20 फीट वाली छोटी कंटेनर जिसका अनलोडिंग अभी चल रहा है। इसको अनलोड खाली करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग खाली करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी एक एल्युमिनियम ही है, देख लीजिए। सारे एल्युमिनियम के पत्थर हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जैसे राम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है 2 फरवरी और आज का काम मैं बता दूँ तो आज ये वाली जो बड़ी कंटेनर है, ये देख सकते हैं 40 फीट वाली, ये खाली होने के लिए आई हुई है, और एक 20 फीट की छोटी वाली कंटेनर खाली होने के लिए आई हुई है। और भी एक जो कल एक कांड हो गया था, कल का मैं ब्लॉग आप लोगों को नहीं दिखा पाया था। मैं यार जो ब्लॉग्स वीडियो चलते नहीं है ना, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो कल ना मैं देख रहा था तो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 3-4 शॉर्ट्स बैक टू बैक डाले थे मैंने, कुछ वीडियोस भी डाले थे, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। कल दिमाग ख़राब हो गया था तो मैं कुछ ब्लॉग कल बनाया नहीं। तो मैं बताता हूँ कल हुआ क्या था। कल ना एक 3 टन की गाड़ी हम लोगों ने लोड किया था। कल कुछ काम नहीं हुआ था, कल 1 फरवरी था, और बस हम लोगों ने इन्वेंट्री दिया था अपने क्लाइंट को। उसके बाद एक 3 टन का लोड किया था, तो वो बैग हल्का हल्का सब वो था, मतलब बैग ओके था, लेकिन क्लाइंट का कंप्लेन है कि वो हम बैग नहीं लेंगे, वो बैग भीगा हुआ है। तो वो बैग ना आज रिटर्न आ रहा है, तो वो बैग हम लोग को खाली करके दूसरा मटेरियल देना है। उसके बाद ये एक गाड़ी और वो छोटी वाली कंटेनर 20 फीट का ये, उसको खाली करना है। चलते हैं, आपको 20 फीट वाली कंटेनर जो लगी हुई है उसका पहले खाली करते हैं, उसको आपको अनलोडिंग दिखाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग अनलोड करेंगे। और जो मेरा मटेरियल आएगा ना, उसमें दाना ही गया था, लेकिन अब क्या बोले, अब जब वो हो गया सो हो गया। उसको तो हम लोग, क्लाइंट है भाई, वो बोल रहा है रिटर्न कर ले, तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। तो हम एक्सचेंज करके फिर से उसको दूसरा फ्रेश मटेरियल देंगे, जैसा ही आता है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये है मेरे ऑफिस के बाहर का सारा कैंपस, देख लीजिए। ये है मेरा ऑफिस, ये कैंपस, और ये सारे वेयर हाउसेस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये है मेरी 40 फीट वाली बड़ी कंटेनर, और ये 20 फीट वाली छोटी कंटेनर जिसका अनलोडिंग अभी चल रहा है। इसको अनलोड खाली करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग खाली करेंगे। तो हमारी ये छोटी वाली कंटेनर 20 फीट वाली खाली हो गई है। दाना था, देख लीजिए, यही वाला दाना था जो अंकल ये खाली कर रहे हैं, ये वाला दाना था, ये दाना है सारा का सारा, ये खाली हो चुका है पूरा का पूरा। अब इस गाड़ी को बाहर करेंगे, और सेम उसी गाड़ी में एक जो बड़ी वाली कंटेनर, उसमें भी दाना ही है लेकिन दूसरा ग्रेड का है, उसको हम लोग खाली करेंगे। तो चलते हैं, इसको पहले निकालते हैं और 40 फीट वाले कंटेनर को लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा मटेरियल, कंटेनर खुल गया, दरवाजा देख सकते हैं, मटेरियल एकदम नया है, दूसरा ग्रेड का है लेकिन नया है एकदम। तो चलते हैं जल्दी से, इसको अनलोडिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो फाइनली हमारी जो 20 फीट वाली कंटेनर थी वो खाली हो गई, वो निकल भी गई है, और हमने बड़ी वाली कंटेनर को अनलोडिंग के लिए लगा दिया है। उसका अनलोडिंग स्टार्ट भी हो गया है, आधा घंटा एक घंटा और करेंगे, उसके बाद ये लोग लंच करने लगेंगे लेबर लोग। और जो मैं आपको बोला था सुबह वाले ब्लॉग में ना, कि कल हम लोग 3 टन मटेरियल लोड किए थे, ये यही वाला मटेरियल था। एक्चुअली होता ही है ना कि बहुत दिनों से मटेरियल रखे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा नमी आ गया था। इसके जो ये है ना, ये वाला इसका कवर, इस पर थोड़ा सा पानी उनी आ गए थे, पता ना कहाँ से आ गए थे, इतना बड़ा वेयर हाउस में। तो उसके लिए क्लाइंट का कंप्लेन था कि हम ये बैग नहीं लेंगे, बैग भीगा हुआ है, ख़राब है। तो फिर अभी कुछ सेटल वेटल हुआ है, बातचीत हुआ है, क्योंकि अब आएगा, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम भी है, तो सेटल हो गया है, तो ये तो नहीं आएगा भाई अब। और एक 6 टन की गाड़ी है ये लोडिंग के लिए, मतलब उसके बाद अभी कोई प्लान नहीं है।
और मैं आपको को पिछले दो तीन ब्लॉक्स में आपको बोल ही रहा हूँ कि हमारा जो एल्युमिनियम वाला क्लाइंट है इसका गाड़ी अनलोड होगी, फिर भी आज भी इसका कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस इसका कुछ आता पता नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसका कुछ क्लियर नहीं, अभी जस्ट बात हुई है मेरी। तो चलते हैं, अभी तो 40 फीट वाला कंटेनर उसका खाली हो रहा है, उसको दिखाते हैं। तो लंच होगा, लंच के बाद एक गाड़ी आएगी 6 टन की, आपको उसका लोडिंग दिखाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आप सबों के लिए, ये जो हमारा क्लाइंट है ना एल्युमिनियम वाला, इसकी सातों के सातों गाड़ी आ चुकी है खाली होने के लिए, और इसका हाइड्रा फोरक्लिफ्ट भी आ चुका है। हाइड्रा तो आपको पता ही है बाहर रहता है, और फोरक्लिफ्ट यहाँ से मटेरियल उठा के आगे देता है, वहाँ से फिर हाइड्रा मटेरियल उठा के उसमें ट्रक में रखती है। तो आज बिल्कुल उसका अपोजिट है, हाइड्रा ट्रक से मटेरियल उठा के आगे रखेगी हमारे लोडिंग पॉइंट पे, वहाँ से फिर फोरक्लिफ्ट उठा के इधर हमारे इस एरिया में रखेगी। तो अभी तो उसका अनलोडिंग हो नहीं सकता, आपको पता है कि मेरी 40 फीट वाली गाड़ी खाली हो रही है, वो आगे से ना बहुत एरिया कवर कर चुकी है, इस वजह से हाइड्रा और उसके मटेरियल को उठा के लोडिंग पॉइंट पर नहीं रख सकते हैं। जैसे ही हमारी ये 40 फीट वाली गाड़ी खाली होकर निकल जाएगी ना, उसका अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही उसका लोडिंग स्टार्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका हाइड्रा फोरक्लिफ्ट भी आ गया है, हाइड्रा जो है ना सॉरी फोरक्लिफ्ट ना हमारी लोडिंग पॉइंट पर ऊपर नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि जब तक ऊपर चढ़ के आएगी नहीं तब तक इधर मटेरियल नहीं रख पाएगी, कुछ प्रॉब्लम है उसका भी सही कर लेंगे, ड्राइवर गया कुछ मटेरियल लाने के लिए, कुछ खराबी है फोरक्लिफ्ट में। तो चलते हैं, जैसे ही उसका अनलोडिंग स्टार्ट होता है मैं आपको उसका अनलोडिंग दिखाता हूँ। ये हाइड्रा देख सकते हैं, हाइड्रा भी आ गई है, हाइड्रा खड़ी है काफ़ी 1 घंटे हो गए इसको आए हुए। इधर हमारा ये फोरक्लिफ्ट है, देख लीजिए फोरक्लिफ्ट भी खड़ी है यहाँ पे, और ये हमारी 40 फीट वाली कंटेनर। जैसे ही ये खाली होकर निकले जाएगी ना, तो गाड़ियाँ इधर बाहर खड़ी हैं, उधर रोड पे खड़ी हैं काफ़ी सारी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो इधर का पूरा एरिया ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए ना उधर बाहर रुका हुआ हमने। जैसे ये गाड़ी खाली होकर हमारी ये निकल जाएगी 40 फीट वाली ना, सारी गाड़ियाँ यहीं पर आके लगेंगी, उसके बाद ये हमारा जो फोरक्लिफ्ट सॉरी हाइड्रा है इस पर से मैं ट्रक पर से मटेरियल उठा के वहाँ पर रखेगा लोडिंग पॉइंट पे, उसके बाद हमारा फोरक्लिफ्ट मटेरियल को उठा के अंदर रखेगा। तो इधर हमारी ये फाइनली हमारी कंटेनर खाली हो चुकी है, देख लीजिए एक बार अंदर से पूरा खाली हो चुकी है। अब ये ड्राइवर साहब इसको बंद कर लेंगे दरवाजे को, उसके बाद ये हमारी कंटेनर बाहर निकल जाएगी, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम का अनलोडिंग स्टार्ट होगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी एक एल्युमिनियम ही है, देख लीजिए सारे एल्युमिनियम के पत्थर हैं। तो फाइनली हमारा ना एल्युमिनियम का अनलोडिंग आज स्टार्ट हो गया है, मतलब समझ लीजिए कि 3-4 दिन से जो क्लाइंट हमें बोल रहा था कि आज होगा कल होगा हमारा अनलोडिंग, फाइनली उसका आज अनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं पीछे मेरे ये हाइड्रा है फोरक्लिफ्ट, अभी मटेरियल उधर रखने गई होगी पीछे, और आपको मैंने ये भी दिखा दिया कि एल्युमिनियम कितना बड़ा है, देख सकते हैं कितना भारी भी है और बड़ा भी है एल्युमिनियम है सारे, इससे ना एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, बहुत कुछ बड़ी बड़ी कंपनी अपने जरूरत के हिसाब से एल्युमिनियम को गला के ये भट्टी में पिघला के बहुत कुछ मटेरियल अपने हिसाब से बनाती हैं। तो ये तो हमारा मतलब इसका मुझे जहाँ तक पता चला है कि इसका ना एल्युमिनियम का तार बनाए जाते हैं गला के इसको भट्टियों में। तो चलते हैं जल्दी से इसको हम लोग अनलोडिंग कराते हैं ख़त्म, क्योंकि इसके 7 से 8 गाड़ी आई हुई हैं। उसके बाद ना हमारा जो दूसरा वाला क्लाइंट है दाना वाला, उसकी भी गाड़ी आ रही है पूना से, उसकी भी मुझे लगता है 1 घंटे में उसकी भी गाड़ी आ जाएगी, उसका भी हम लोगों को खाली करना है।
और ये देख लीजिए सारे एलुमिनियम हमारे यहाँ पर रखे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी सारे मटेरियल थे ना हम लोगों का, इधर हमने कर दिया सारे, हमने आगे और कर दिया है। ये पूरा का पूरा एरिया है जितना, सारा आज भर जाएगा। बहुत सारा एलुमिनियम का पत्थर है इसका। ये तो अभी, ये तो आपको पत्थर मैंने दिखा दिया, एक नया एलुमिनियम को दिखाता हूँ, नए डिजाइन के एलुमिनियम। ये देख लीजिए, लग रहा है किसी भी एंगल से कि एलुमिनियम ही है, लेकिन ये एलुमिनियम ही है। देख लीजिए अभी तक ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे एलुमिनियम के, लेकिन अब एलुमिनियम हमारे दूसरे डिजाइन में आ चुका है। देख लीजिए तो फाइनली हमारा आज का सारा काम खत्म हो चुका है। देख सकते हैं मेरे पीछे फॉरक्लिफ्ट है, अभी लास्ट ये मटेरियल लेके आई हुई रखने के लिए। उसके बाद इसका भी लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, अनलोडिंग खत्म हो चुका है। और आपको पता ही है कि जो हमारा ये वाला दान क्लाइंट था हमारा, इसकी आज एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली कंटेनर खाली हुई है। उसके बाद जो भी काम हुआ है और तो कोई उसका लोडिंग आया नहीं है, बस अनलोडिंग हुआ है और इसका अनलोडिंग हुआ है हमारे एलुमिनियम वाले क्लाइंट का। इसका अभी पूरा वेयर हाउस भरा नहीं है, अभी इसकी आधी गाड़ी आई हुई है, आधी गाड़ी अभी और कल आएंगे, मतलब कल भी काम होगा। तो आज के इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज का इस ब्लॉग में हम लोग ना फूड का कवर नहीं करेंगे, आज मैं खाना का इस ब्लॉग में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।